Hello and welcome to TeleTalkies, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, दिशा पटानी की ऐसी कौन सी हरकत पर सोशल मीडिया पर हो रही है वो ट्रोल? सुपरस्टार सिंगर्स के मंच पर पहुंचकर नन्हे से प्रभु प्रांजल के साथ उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कहा कि उनको अब सोशल मीडिया पर जमकर गालियां पड़ रही हैं? बताएंगे हम आपको इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना अब ना भूलें। वेल दोस्तों, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर दिशा पटानी और अर्जुन कपूर आए हुए हैं अपनी फिल्म एक विलन रिटर्न को प्रमोट करने के लिए। ऐसे में दिशा पटानी ने जैसे ही प्रांजल की आवाज़ सुनी, उनका गाना सुना, पूरे तरीके से वो उनकी दीवानी हो गई। जी हाँ, दिशा पटानी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई प्रांजल की। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से नहीं लगा कि एक छोटा सा बच्चा इतना खूबसूरत गाना गा रहा है, और जैसे कि हर कोई उसे प्रभु कहता है, तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि आप सच में प्रभु हैं। इनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अर्जुन कपूर को भी प्रांजल का गाना सुनकर रोना आ गया। आखिर इतना नन्हा सा बच्चा और जिसका दिल इतना पावन है, कैसे? वेल, इसी के बाद दिशा पटानी ने जो कहा, उनकी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत ट्रोल किया जा रहा है। दिशा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है प्रांजल, आई एम टोटली इन लव विद यू। आई थिंक मुझे प्रांजल तुमसे प्यार हो गया है। मैं प्रांजल की दीवानी हो गई हूँ। और ऐसा कहकर वो प्रांजल के साथ फ्लर्ट करने लगी। वेल, दिशा पटानी तो उसकी तारीफ ही कर रही थी, लेकिन नेटिजन्स को ये बात पसंद नहीं आई कि आखिर एक नन्हा सा बच्चा जिसका दिल इतना पावन है, आखिर क्यों उससे दिशा पटानी ऐसी बातें कर रही हैं, जबकि हर कोई जानता है कि प्रांजल बड़े होकर एक फ़कीर बनना चाहता है, तो आखिर क्यों उसका मन बदलना चाहती है दिशा? और आखिर इतनी बड़ी होकर क्यों आजकल बड़ी उम्र की लड़कियों को छोटे छोटे उम्र के लड़कों में इंटरेस्ट आ रहा है? वेल, यह बात तो हम सभी को पता है कि दिशा ने सिर्फ प्रांजल की तारीफ करी थी, लेकिन उन्हें उनकी तारीफ़ें ही भारी पड़ गई और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने लगे। आप लोग क्या कहेंगे, क्या रिएक्शंस हैं आपके? क्या आप दिशा पटानी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनके अगेंस्ट? कमेंट करके अपने व्यूज़ आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अब ना भूलें।